नमस्कार, मैं प्रियंका, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। व्यूज़ वाली न्यूज़ में आज बात शाहरुख खान की। देश ने कल अपना नायाब हीरा लता मंगेशकर खो दिया। स्वर कोकिला के अंतिम संस्कार पर भीड़ उमड़ी। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों का तांता लगा रहा। बॉलीवुड के शाहरुख खान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। बॉलीवुड के बादशाह खान जब लता मंगेशकर को आखिरी नमन करने पहुंचे तो दुआओं में उनके दोनों हाथ उठे। शाहरुख ने खुदा से लता जी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। दुआ पढ़कर मास्क हटाया और फूंक भी मारी, फिर लता जी के दीदार किए और चरणों को छूकर उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर किया, हाथ जोड़कर नमन भी किया। अब शाहरुख के इसी फूंक को थूकना बताकर बवाल मचा हुआ है। इस मसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस मामले को लेकर ग्वालियर हिंदू महासभा ने पुलिस से शिकायत की है। महासभा के कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को एक आवेदन दिया है, जिसमें शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। हिंदू महासभा का आरोप है कि शाहरुख खान ने देश के तिरंगे का अपमान किया है। भारत रत्न लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा था। वहीं श्रद्धांजलि के दौरान बादशाह खान ने लता जी के पार्थिव शरीर के सामने दुआ पढ़ी और फिर फूंक मारी। अब हिंदू महासभा का आरोप है कि शाहरुख खान ने श्रद्धांजलि देने के बाद अपना मास्क उतारकर थूका था, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के साथ साथ भारत रत्न का अपमान है। दुआ पढ़ने और फूंक मारने को लेकर इस्लामिक परंपरा आखिर क्या कहती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी ये बात साफ हो पाएगी कि क्या शाहरुख खान ने वाकई तिरंगे और भारत रत्न का अपमान किया। इस्लामिक परंपरा के अनुसार जब कोई दुआ की जाती है तो उसके लिए दोनों हाथों को उठाकर सीने तक लाया जाता है और अल्लाह से मिन्नतें की जाती हैं। कुछ वैसे ही जैसे किसी के आगे झोली फैलाई जाती है, उसी तरह अल्लाह के सामने अपनी अर्जी लगाई जाती है। शाहरुख ने भी कुछ वैसा ही किया था। इस्लामिक नजरिए से देखें तो दुआ करने का ये बड़ा आम तरीका है, और दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारने का मतलब होता है उस दुआ को सामने वाले तक पहुंचाना। तंत्र मंत्र विद्या में भी फूंक मारने का तरीका अपनाया जाता है। इस पूरे विवाद पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है। कई लोग शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका बचाव कर रहे हैं। पूरे विवाद पर शिवसेना नेता और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कहा, एक समाज के रूप में हम इतने बिगड़ गए हैं कि हमें लगता है कि प्रार्थना करना थूकना है। आप एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। आज राजनीति इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है कि यह वाकई दुखद है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी शाहरुख का सपोर्ट किया है।